तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग A30s में कैमरे के जो कैमरा है उसके कुछ ऐसे टिप्स या फीचर्स बता सकता हूँ जिससे आप कैमरे ऐप के जरिए जरिए अपनी फोटो को बहुत अच्छी क्लिक कर पाएंगे और बहुत अच्छा आपको लगेगा। तो उसके बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों, एक एक सेटिंग बताऊंगा, डीप तक बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, तो ये आप समझ पाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक्स में। देखने के लिए तो अपन चलते हैं कैमरा ऐप में। कैमरा ऐप ऐप खोलने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। आप देख रहे हैं जो फर्स्टली आपको इंटरफेस दिखा रहा है, नीचे आप देख रहे हैं फोटोज़ पे आपका ब्लिंक है, मतलब फोटोज़ आपका ऑप्शन ऑन है। और यहाँ ऊपर आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं आदमी जैसे। तो पहले वाले पे अगर आप देखेंगे तो ये मेरा फेस पास दिखेगा, और जैसे ही आप डबल जो आइकन बना है उस पर क्लिक कर लेंगे तो आप देखेंगे मेरा फेस फ्री पीछे हो गया है, मतलब डेप्थ। तो ये डेप्थ कैमरे में चला गया। अगर अपन पीछे वाले कैमरे पे जाएंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये मैं आगे आपको बता देता हूँ। तो नीचे आपको ये जो दिख रहा है फोटोज़ का, तो फर्स्टली यहाँ पर फोटोज़ क्लिक करेंगे तो यहाँ सिंपल फोटोज़ क्लिक होगी। आप देखेंगे तो यहाँ सिंपल आप अपने हिसाब से ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं एंड देन माइनस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे लाइव फोकस का ऑप्शन आपको दिख रहा है। लाइव फोकस पर आप आएंगे तो आपको जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका फेस यहाँ पर दिख जाएगा। आप यहाँ से ब्लर बढ़ा सकते हैं और आप चाहे तो कम कर सकते हैं। तो मैं एक आपको फोटो क्लिक करके दिखाता हूँ लाइव फोकस में। ये लाइव फोकस में यहाँ पर भी आपको दिख रहा है डेप्थ और अनडेप्थ। तो एक फ़ोटो खींच लेते हैं यहाँ पर। ये फ़ोटो मैंने क्लिक करी तो आपको यहाँ दिखेगा मेरी फ़ोटो क्लिक हो गई है। तो क्लिक होने के बाद एक छोटी सी आपको अपडेट यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पर जाएंगे एडिट में तो आप इसको इजीली यहाँ पर, सॉरी, यहाँ जाना है चेंज बैकग्राउंड इफेक्ट में, तो आप इजीली बैकग्राउंड को ब्लर ज़्यादा ब्लर बढ़ा सकते हैं। और नीचे आपको ब्लर के इफेक्ट दिए हैं अपने हिसाब से, आप ब्लर जैसा आपको ब्लर अच्छा लगता है वैसा आप यहाँ से ब्लर कर सकते हैं। मुझे ये वाला ब्लर बहुत पसंद आता है तो मैं वाला सेट कर लेता हूँ। उसके बाद आप वापस कैमरे के ऐप में आएंगे, कैमरा ऐप में आएंगे तो आपको यहाँ पर वापस फ़ोटोज़ मैंने आपको बता दिया, फ़ोटोज़ फ़ोटोज़ क्लिक करोगी या वीडियोज़ पे आप वीडियो कर सकते हो, कोई ज़्यादा वो है नहीं। तो आगे चलते हैं दोस्तों करते हुए। यहाँ बैकग्राउंड कैमरे में बनता है, फ्रंट कैमरे पर नहीं बनता, तो इसको भी हटा दीजिए। तो दोस्तों अपन अब आ चुके हैं बैक कैमरे की तरफ। तो बैक कैमरे पे भी आपको नीचे ऑप्शन मिल रहे हैं लाइव फोकस, फोटोज़, वीडियोज़ एंड, तो ये स्लो पर वर्क करने लग जाएगा। एंड देन ऑप्शन मिल रहा है, मोर पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर फूड पैरोनामा एंड पैलर प्रो का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं उसको नीचे लाना, आप इसको दबा के या नीचे अपनी तरफ ला सकते हैं और जो कि ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो ये आप तो हो गया नॉर्मल से फीचर। उसके बाद प्रो टिप, फोटो लेने के लिए आपको यहाँ कैमरे पे अगर आपको सेटिंग करना है तो आपको यहाँ ऑप्शन मिल रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे डेप्थ का, जैसे मैंने यहाँ ब्लर कर लिया, ब्लर करने के बाद मैंने यहाँ पर आप देखेंगे लाइट बढ़ गई, ब्राइटनेस बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर आप ब्राइटनेस एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो उसके बाद ये फ़ोटो जैसे अपन ने क्लिक करी, ये नॉर्मल फ़ोटो। अगर आप लाइव फोकस में आएंगे, लाइव फोकस में आने के बाद आपने ये फ़ोटो क्लिक करी तो दोनों में एक बार अंतर समझ लीजिए होता क्या है। सेम लेआउट पर, सेम जगह पर, तो ये लाइव फोकस में फ़ोटो ली हुई है जो कि हल्की सी ब्लर आप देख रहे हैं, यहाँ से ब्लर ब्लर दिख रही है। और ये इसके बगल वाली ये नॉर्मल फ़ोटो आप देख सकते हैं, नॉर्मल फ़ोटो है। तो ये नॉर्मल फ़ोटो आप देख सकते हैं और ये इसके बगल में आपको दिख रहा है अंतर कितना होता है। तो ये तो हो गई एक चीज़ नॉर्मल बेसिक सी चीज़। उसके ऊपर आप यहाँ देखेंगे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है और यहाँ पर ऑफ़ लिखा हुआ है एंड फुल लिखा हुआ है। तो यहाँ ऑफ़ में अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ टाइमर चालू हो जाएगा, लाइक 2 सेकंड का आपने टाइमर लगा दिया तो 2 सेकंड बाद आप देखेंगे फ़ोटो क्लिक ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक है, तो टाइमर का हो गया। यहाँ पर आप चाहते हैं फुल, आप रेशो चाहते हैं कितने कैमरा आपको कितना में दिखे, तो अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं कैमरे का साइज़, जो कि बेटर फुल अच्छा लगता है। उसके बगल में आपको यहाँ इफेक्ट्स का ऑप्शन मिल रहा है, आप चाहते हैं यहाँ इफेक्ट्स डाल सकते हैं। तो ये इफेक्ट्स लाइव फोकस पर वर्क नहीं करते, इसके लिए आपको फ़ोटोज़ पर आना होगा। उसके बाद आप यहाँ इफेक्ट्स पर आएंगे तो आपको बहुत सारे इफेक्ट्स मिल गए जो कि मैं आपको यहाँ नीचे दिखा सकता हूँ। ये देखेंगे आप ये इफेक्ट्स, ये पहले इफेक्ट्स ओरिजिनल ऐसा रहेगा, फिर वाम आप ऐसा इफेक्ट्स कर सकते हैं, कूल इफेक्ट्स डाल सकते हैं, लॉल, ये बहुत सारे इफेक्ट्स दिए हुए हैं प्री इंस्टॉल, तो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं बहुत सारे, आप चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए मैंने पहले ही बताया हुआ है, ग्लेस्टी स्टोर पर जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल ऑप्शन। उसके बाद तो ये तो हो गया नॉर्मल ऑप्शन जो कि मैंने बताया, जो मेन सेटिंग बताने वाला हूँ उसके बाद चलना है अपन को सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऐसे ऑप्शन मिलने वाले हैं, स्क्रीन ऑप्टिमाइजेशन, स्कैन क्यूआर कोड, होल्ड एंड टैग बटन। अब यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा होल्ड एंड स्टैच पिक्चर, टेक अ बेस्ट फोटो,
जो पहले आपने देखा हो, पहले होता क्या था, अगर आप यहाँ पर होल्ड भी करके रखेंगे तो ही एक तो भी ये एक सिंगल ही फ़ोटो खींचेगा। तो इसको कर देते हैं ऑफ। ऑफ करने के बाद यहाँ पर आप सेटिंग पे आएंगे, यहाँ पर आप कर देंगे ब्रश फोटो। तो जैसे ही आप उसको दबा के रखेंगे तो ये कंटिन्यू फोटो क्लिक करता ही जाएगा, कंटिन्यू फोटो क्लिक करेगा, लो लाइट में फ़ोटो क्लिक नहीं करता, नहीं तो ये ब्रश फोटो कंटिन्यू क्लिक करता जाएगा। तो लो लाइट में ये क्लिक नहीं कर रहा है, अगर लो लाइट नहीं होगी वहाँ पर तो ब्रश फोटो फटाफट फटाफट क्लिक करता जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे डेप्थ का ऑप्शन, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे डेप्थ में चला गया। और यहाँ पर आएंगे तो आप ये अंतर दिख रहा है आपको डेप्थ का, ये 3 कैमरे का अंतर दिख रहा है। डेप्थ में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पीछे आ जाता है, तो उससे पता चलता है कि आप कितने, और यहाँ देखेंगे कितना फ़र्क पड़ता है। तो ये हो गया डेप्थ का। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ ब्रश मिल गया, यहाँ पर आप रियर कैमरे की वीडियो का साइज़ सेट कर सकते हैं जो कि फुल रेजोल्यूशन है, आप चाहें तो यहाँ से और कम भी कर सकते हैं। उसके बाद फ्रंट का सेट कर सकते हैं, हाई रिच फोटो करनी है तो आपको इस पर क्लिक करके रखना है। एंड देन पिक्चर इस प्रिव्यू भी चाहते हैं तो उस पर भी आप ऑन कर सकते हैं, प्रिव्यू मैंने ऑन करके रखा हुआ है। गाइडलाइन चाहते हैं तो गाइडलाइंस को भी ऑन कर सकते हैं, नहीं तो हटा दिए। लोकेशन टैग, अगर आप लोकेशन चाहते हैं तो ये आपको बताता जाएगा लोकेशन कहाँ है। शूटिंग मेथड पे अभी आप चेंज कर सकते हैं, प्रेस वॉल्यूम की भी, फ्लोटिंग बटन भी, शो प्लान भी आप कर सकते हैं, जो कि आप देखेंगे फ्लोटिंग बटन मेरा ये दिख रहा है, आपको बता देता हूँ फ्लोटिंग बटन ये दिख रहा है। अब इसको मैं कहीं भी मूव करूँगा तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो मेरी फ़ोटोज़ क्लिक होती जाएगी, आपको देखिए पता लगता जाएगा। मैं कैमरा फ्रंट में कर लेता हूँ तो अभी देखेंगे फ़ोटोज़ क्लिक होते जा रहे हैं। तो ये भी कैमरा अगर आप चाहते हैं ऑप्शन को इनेबल करना तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग में, सेटिंग पे जाने के बाद आपको जाना है शूटिंग मेथड पे, यहाँ पर आपको फ्लोटिंग बटन को ऑन करके रखना है। आप चाहें तो यहाँ से हटा देंगे तो ये वहाँ से हट जाएगा, हट चुका है। आप चाहें तो प्लम से भी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं जो कि थोड़ा सा टफ टफ प्रोसेस है, तो इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। आप प्लम को ऐसे करके यूँ करके पता नहीं बहुत मुश्किल से फ़ोटो क्लिक होता है, ये देखिए आप क्लिक हो गया है फ़ोटो, तो ये थोड़ा सा टफ है। तो उसके लिए प्लम वाला जो मैंने आपको फ्लोटिंग बटन बताया वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, उससे इजीली आप फ़ोटो क्लिक कर पाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर रीसेट का ऑप्शन मिल रहा है और वाटर मार्क का, तो आप चाहें तो यहाँ वाटर मार्क भी इलेमन कर सकते हैं जो कि इनेबल अभी नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है कैमरा चक्कर में, इसको बैक कैमरे पर करने के बाद करते हैं तो ये इनेबल हो जाएगा। देखिए ये बैक कैमरे पे ही इनेबल होगा, फ्रंट कैमरे पे इनेबल नहीं होगा। आप कोई भी फ़ोटो क्लिक करेंगे बैक कैमरे आने के बाद तो आप यहाँ देखेंगे तो आपको ये नीचे नाम मिल रहा है सैमसंग ट्रिपल कैमरा शूट विथ माई गैलेक्सी A30s। तो ये होता है वाटर मार्क, तो आप चाहें वाटर मार्क हटा भी सकते हैं और इनेबल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने छोटा सा आपको टिप बताया है कैमरा ऐप चलाने के लिए, अगर आपको क्रॉप फोटोज़ खींचना है तो मोस्टली लाइव फोकस पे फ़ोटो क्लिक करिएगा जो कि बहुत बेस्ट आती हैं, जो कि मैं आपको एक दिखा देता हूँ। ये जैसे मेरा ये ऑब्जेक्ट है तो आपको ऑब्जेक्ट को करना है कैप्चर, उसको वहाँ टैप करके रखना है, थोड़ी देर को होल्ड करके उसके बाद आपको यहाँ पर फ़ोटो को क्लिक करना है। उसके बाद आप फ़ोटो देखेंगे, फ़ोटो की क्वालिटी देखेंगे, पूरी तरह से ब्लर आया है, फ़ोटो की क्वालिटी भी बेस्ट आती है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट मेथड है ये फ़ोटो लेने का। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो तो दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आएगी, तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना भी ना भूलें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।